विद्यार्थियों वंदे मातरम भाटी आश्रम के द्वारा जो नए विद्यार्थी हैं जो बिगनर्स हैं जिसने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की शुरुआत करनी है उसके लिए उपनयन नाम से भाटी आश्रम के द्वारा एक किताब प्रकाशित की गई है उसी किताब पर आधारित हम एक श्रृंखला को शुरू कर रहे हैं जिसका नाम उपनयन सीरीज या उपनयन श्रृंखला है उपनयन सीरीज में हम चार मूलभूत फंडामेंटल विषयों के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें मेरे द्वारा अर्थशास्त्र एवं भारतीय अर्थव्यवस्था के 150 प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी जैसा कि हम सब जानते हैं हमारी भारत की परंपरा में सोलह संस्कार हुए हैं और उन सोलह संस्कारों में से एक ग्यारह नंबर का जो संस्कार है यज्ञोपवित संस्कार जिसे उपनयन संस्कार के नाम से भी जाना जाता है विद्या आरंभ से संबंधित का संस्कार है विद्या अर्जन का जो शुरुआती संस्कार है उपनयन संस्कार है और भारतीय आश्रम की यह दर्शन रहा है भारतीय आश्रम का ये एक विश्वास रहा है कि जिस भी विद्यार्थी को जिसने प्रतियोगी परीक्षा को क्रैक करना है पास करना है उसके लिए आधारभूत समझ का होना जरूरी है फंडामेंटल नॉलेज का होना जरूरी है या यूं कहें कि किसी इमारत की मजबूती का अंदाजा उसी से लगाया जा सकता है जब उस इमारत की नींव मजबूत हो तो हम आधारभूत जो विषय है उसको नींव के रूप में हम देखते हैं और हमारा ये पूरा विश्वास है कि जब प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाला विद्यार्थी इन आधारभूत चार सब्जेक्ट से भूगोल राजनीतिक व्यवस्था अर्थशास्त्र और इतिहास को जब पढ़ लेगा बेसिक समझ कर लेगा तो वो एकदम तैयार हो जाएगा परिपूर्ण हो जाएगा और ज्ञान को अर्जित करने के लिए उस नींव पर बहुमंजिला इमारत को खड़ी करने के लिए तो हम जो है वो पढ़ेंगे उपनयन में अर्थशास्त्र एवं भारतीय अर्थव्यवस्था और आपको मैं बता दूं भारतीय दर्शन में जो है चार पुरुषार्थ की चर्चा की गई है आपने सुना भी होगा भारतीय दर्शन में चार पुरुषार्थ की चर्चा की गई है और पुरुषार्थ का जो है शाब्दिक मतलब होता है अर्थ होता है कि मानव को अपने जीवन में किन लक्ष्यों की ओर जाना है पुरुषार्थ का मतलब है जो लक्ष्य मानव प्राप्त करना चाहता है वे चार लक्ष्य कौन कौन से हैं पहला लक्ष्य हमारा होता है धर्म को प्राप्त करना दूसरा होता है अर्थ को प्राप्त करना तीसरा होता है काम को प्राप्त करना और चौथा होता है मोक्ष को प्राप्त करना जो सभी का अल्टीमेट गोल होता है और इसी के अंतर्गत अर्थ आता है यानी कि मानव जीवन की जो भौतिक सुख समृद्धि है उसके लिए अर्थ सबसे महत्वपूर्ण है अर्थोपार्जन करना सबसे महत्वपूर्ण है और इसी को हम विषय के रूप में अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था के रूप में पढ़ेंगे अर्थशास्त्र जैसा कि नाम से ही पता है हमारा पहला प्रश्न हम देखते हैं अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है उपनियन किताब में पर आधारित ये प्रश्न है और इस प्रश्न में शाब्दिक अर्थ की बात हो रही है इकोनॉमिक्स इसे अंग्रेजी में कहा जाता है और इसका अगर आप हिंदी नाम पढ़े अर्थशास्त्र अर्थ का मतलब सिंपल सा होता है धन अर्थ धन और शास्त्र का मतलब होता है क्रमबद्ध ज्ञान यानी कि धन का वैज्ञानिक एवं क्रमबद्ध अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र है यह बिल्कुल इसका एक शाब्दिक अर्थ होता है धन का किस तरीके से वैज्ञानिक साइंटिफिक और सिस्टमैटिक अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र है इसी पर आधारित दूसरा हम देखते हैं अर्थशास्त्र की डेफिनेशन अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए पहला प्रश्न हमारा था अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ मतलब कि धन का वैज्ञानिक धन धन का धन का जो स्टडी है वो क्या है अर्थशास्त्र है अब इसको अगर डिफाइन करेंगे इसकी डेफिनेशन देने की कोशिश करेंगे और सरल परिभाषा कि वह अवधारणा यानी कि वह कॉन्सेप्ट जिसके अंतर्गत धन यानी कि वेल्थ एवं इससे संबंधित आर्थिक क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कौन सी उत्पादन से लेकर विनिमय वितरण एवं उपभोग तक का समग्र एवं क्रमबद्ध अध्ययन ही क्या है अर्थशास्त्र है यानी कि आर्थिक क्रियाओं की बात आती है अगर हम आर्थिक क्रियाओं की बात करें बेसिक तरीके से तो मुख्य रूप से तीन आर्थिक क्रियाएं तीन आर्थिक क्रियाएं आती है जिसमें है प्राथमिक क्रिया सेकेंडरी और तृतीय क्रिया प्राथमिक क्रिया में आप पढ़ोगे एग्रीकल्चर कृषि से संबंधित क्रियाएं द्वितीय क्रिया में हम इंडस्ट्री से रिलेटेड चीजें देखते हैं और तृतीय क्रिया में तृतीय सेक्टर को सेवा सेक्टर बोलते हैं जिसमें एक पढ़ाने का काम भी है डॉक्टर का काम है जो सेवा से रिलेटेड है यानी कि तीन आर्थिक क्रियाए इसके अतिरिक्त इसमें चार शब्द आते हैं उत्पादन यानी कि अगर हम देखें पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो एक चक्कर के माध्यम से चलती है जिसमें पहला चक्कर होता है कि किसी भी वस्तु का या किसी भी सेवा का प्रोडक्शन होगा उत्पादन होगा फिर उसका उत्पादन होने के बाद वो विनिमय के लिए जाएगी वो विनिमय के लिए जाएगी और विनिमय के बाद क्या होगा उसका वितरण होगा बाजार के माध्यम से और वितरण के बाद वो उसका अंतिम पड़ाव आ जाता है उपभोक्ता तक जाएगी यानी कि किसी भी वस्तु और सेवा का पहले उत्पादन होता है किसी भी अर्थव्यवस्था में उसका फिर विनिमय होता है फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वितरण किया जाता है और ये जो वितरण है ये वितरण किया जा सकता है सरकार के द्वारा जैसे हम देखते हैं भारत में भी बहुत सारी चीजें जो है जैसे कि एक पीडीएस एग्जाम्पल देखते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर वाला सिस्टम जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली है पीडीएस उसमें हम देखते हैं कि गेहूं जो है वो उचित मूल्य पर मिलता है तो ये सरकार के द्वारा किया जाता है और ज्यादातर मैक्सिमम जो वितरण है 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 वो मार्केट के के द्वारा द्वारा खुली अर्थव्यवस्था किया जाता है। और ये पूरा चक्कर चलता है। जैसी उपभोग की प्रवृत्ति मार्केट में होगी यानी कि जैसा उपभोग किया जाएगा वस्तु और सेवा जैसी मांग होगी वैसा ही उत्पादन होगा हम देखते हैं कि बाजार में जो उत्पादन होता है उसका डायरेक्ट लिंक होता है उसके उपभोग से कि किस तरीके की वस्तुओं और सेवाओं की मांग है तो ये अर्थशास्त्र को हमने इस तरीके से परिभाषित किया मुख्यतः क्या कॉन्सेप्ट है उत्पादन की बात आएगी विनिमय की बात आएगी फिर वितरण की बात आएगी और अंतिम उपभोग उसमें हो जाएगा और तीन आर्थिक क्रियाओं की बात करी तीसरा प्रश्न है अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है तो अर्थशास्त्र यानी कि अभी तक जो तीसरा प्रश्न हम पढ़ रहे हैं उसमें अर्थशास्त्र को ही समझने का उसकी जो परिभाषा है उसके शब्दार्थ है उसको ही समझने का हम प्रयास कर रहे हैं और यह परिभाषा दी थी फेमस दार्शनिक अर्थशास्त्री एडम स्मिथ महोदय ने किसने दी थी एडम स्मिथ महोदय ने और एडम स्मिथ के बारे में हम अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो एडम स्मिथ जो है इंग्लैंड यानी कि यूनाइटेड किंगडम यूके जिसने पूरी दुनिया में लगभग कई महत्वपूर्ण देशों पर राज किया उसमें से हम भी एक थे यानी कि हिंदुस्तान को भी अपना उपनिवेश बनाया था इंग्लैंड के निवासी थे और ये लगभग लगभग जो 18वीं शताब्दी है उस समय के ये फेमस अर्थशास्त्री हुए हैं और 18वीं शताब्दी जो है वो जानी जाती है पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन के लिए औद्योगिक क्रांति के लिए अब तक क्या था 18वीं शताब्दी से पहले तक क्या था जो उत्पादन होता था किसी भी वस्तु का किसी भी सेवा का उसमें उत्पादन जो होता था वो हाथों से होता था ठीक है अब उत्पादन औद्योगिक क्रांति में क्या हुआ कई खोजें हुई मशीनीकरण हुआ अब कारखाने में काफी ज्यादा मात्रा में उत्पादन होने लगा तो एडम स्मिथ महोदय ने इसको लेकर काफी महत्वपूर्ण अर्थशास्त्र में विचार रखे अब इन्होंने कहा कि फेयर की पॉलिसी होनी चाहिए कैंसी पॉलिसी लेसेज फेयर की पॉलिसी जिसे अहस्तक्षेप की नीति भी कहा जाता है इन्होंने कहा कि जो उत्पादन होता है किसी भी वस्तु या सेवा का उस पर सरकार का कम से कम कंट्रोल हो सरकार का कम से कम हस्तक्षेप हो सरकार केवल कानून व्यवस्था तक ही अपना काम करे बाकी जो उत्पादन होगा वो बाजार पर निजी सेक्टर के द्वारा हो यह बात फेयर की नीति और कौन करेगा राज्य के द्वारा राज्य मतलब सरकार के द्वारा इसके साथ इन्होंने एक बात कही कि जो डेवलपमेंट है जो विकास है वो कैसे होगा वो होगा कैपिटलिज्म के माध्यम से पूंजीवाद थ्योरी के माध्यम से पूंजीवादी विचारधारा के माध्यम से और पूंजीवादी विचारधारा का जो बेसिक पर्पज है वो यही है कि जो है निजी सेक्टर जो है निजी सेक्टर निजी सेक्टर में उत्पादन होगा इसके साथ स्वतंत्रता सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूज मूल्य इस विचारधारा के अंतर्गत होता है यानी कि व्यक्तिक स्वतंत्रता होनी चाहिए कि कोई भी जो समाज है उस समाज का जो व्यक्ति है वो क्या उत्पादन कर रहा है कैसे उत्पादन कर रहा है उसको ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिल जाए ऐसा ना हो कि राज्य हर उस फैसले में व्यक्ति के इंटरफेयर करे यानी कि व्यक्ति स्वतंत्रता इस विचारधारा में इंपोर्टेंट है और ये सब बातें जो कहने वाला व्यक्ति है एडम स्मिथ कह रहा है कौन कह रहा है एडम स्मिथ कह रहा है वो लेसेज फेयर की पॉलिसी की बात कर रहे हैं वो कैपिटलिज्म की बात कर रहा है कैपिटलिज्म को आगे हम जा, विस्तृत तरीके से चर्चा करेंगे कि कैपिटलिज्म बेसिकली कैसे काम करता है यह सारी बात कहता है एडम एडम स्मिथ स्मिथ और इसी कारण को अर्थशास्त्र का फादर पिता भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने काफी कुछ महत्वपूर्ण काम किया अर्थशास्त्र को लेकर और किताब भी फेमस किताब ही लिखी जिसे हम चौथे प्रश्न में पढ़ रहे हैं एडम स्मिथ द्वारा सत्रह सो छिहत्तर ईस्वी में लिखित किस पुस्तक के उपरांत अर्थशास्त्र का एक पृथक विषय के रूप में विकास हुआ था बेसिकली क्या होता है, ज्ञान के जो, भी है जो हम अध्ययन कर रहे हैं जो भी विषय चाहे वो विज्ञान स्ट्रीम के हो चाहे वो कला संकाय के हो आर्ट्स के हो कॉमर्स के हो कोई भी विषय है उस वो अपने शुरुआती दौर में यानी कि प्राचीन काल में जब ज्ञान जो चल रहा था जब तक क्रमबद्ध अध्ययन नहीं हो रहा था तो शुरुआती समय में सभी विषय जो थे थे वो के पार्ट यानी कि दर्शन शास्त्र के विषय थे चाहे वो इकोनॉमिक्स हो चाहे राजनीतिक जियोग्राफी हो चाहे इतिहास हो सारे विषय जो थे वो दर्शन शास्त्र के ही अंतर्गत पढ़े जाते थे इसी के अंतर्गत आते थे लेकिन 18वीं शताब्दी में एडम स्मिथ महोदय ने अपनी किताब पब्लिश की सत्रह में और तहलका मचाल दिया और एक नया विचार दिया जिसे हम कह सकते हैं निजी उद्योग की बात हो गई जिसमें पूंजीवाद की बात होने लगी कैपिटलिज्म इकोनॉमी की बात होने लगी अब तक की जो इकोनॉमिक्स थी यानी कि इस शताब्दी से पहले 18वीं शताब्दी से पहले की जो इकोनॉमिक्स थी वो पूरा का पूरा सामंतवादी व्यवस्था पर आधारित थी अब इस किताब में कौन सी किताब में एन इंक्वायरी इन टू एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन जिससे प्रचलित भाषा में वेल्थ ऑफ नेशन भी कहा जाता है कि वेल्थ ऑफ नेशन किताब के रचयिता लेखक कौन है वो है एडम स्मिथ महोदय इस किताब में इन्होंने ऐसी बातें करी कि जो अर्थव्यवस्था है जो उत्पादन है जो वस्तुओं का उत्पादन होता है वो बाजार सिस्टम पर आधारित होना चाहिए किस सिस्टम पर आधारित होना चाहिए बाजार सिस्टम पर आधारित होना चाहिए बाजार सिस्टम कहने का मतलब यह है कि निजी सेक्टर के द्वारा उत्पादन करा जाए ना कि सरकारों के द्वारा सरकारों का काम सिर्फ कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, बाकी जो धंधे की बात है उद्योग की बात है वो निजी सेक्टर पर छोड़ दो ये इस किताब में बातें थी इसी से निकल कर आती है जो हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं जहां नाम आ जाए लैसेज फेयर की पॉलिसी उसका संबंध हो जाता है आहस्त नीति यानी कि सरकारें इंटरफेयर नहीं करेगी धंधों में अर्थव्यवस्था में निजी सेक्टर को छोड़ दे ठीक है वो काम करने का जो दायित्व है वो निजी सेक्टर ही करेगा इसके साथ साथ एक और बात आती है कि जो डेवलपमेंट है जो विकास की हम बात करते हैं वो विकास कैसे होगा सभी लोगों का विकास कैसे होगा पूंजीवाद में एक कॉन्सेप्ट आता है ट्रिकल डाउन थ्योरी जिसको लेकर काफी वापस विवाद भी रहता है हिंदी में इसे हम कह सकते हैं टपकन सिद्धांत छलकने का ट्रिकल डाउन थ्योरी अब ट्रिकल डाउन थ्योरी में क्या है एडम स्मिथ महोदय कहते हैं कि जो डेवलपमेंट है उसमें क्या होना चाहिए जो बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने के व्यक्ति हैं जो बड़े बड़े उद्योग धंधे करने वाले व्यक्ति हैं वो जब कारखाने लगाएंगे वो जब इन्वेस्टमेंट करेंगे वो जब बाजार में अपना इंटरफेयर करेंगे वो जब काम करेंगे तो वो कारखाने लगाने के बाद उत्पादन जब शुरू होगा तो उनको मजदूरों की भी आवश्यकता होगी उनको काफी टेक्निशियन की भी आवश्यकता होगी कहने का मतलब है जो कॉर्पोरेट व्यक्ति है, वो जब धंधा लगाएगा उससे कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा ठीक है तो ट्रिकल डाउन थ्योरी कहते हैं ऊपर वाला व्यक्ति व्यक्ति जो अमीर व्यक्ति है अगर वो विकास करेगा अगर उसे वो लाभ होगा तो उस लाभ का फायदा जो है वो सभी को मिलेगा क्योंकि सरकार को भी वो टैक्स देगा तो ट्रिकल डाउन थ्योरी यही कहती है कि कैपिटलिज्म से ट्रिकल डाउन थ्योरी का इफेक्ट ये होगा कि सभी को जो है धीरे धीरे करके लाभ मिलने लग जाएगा पहले तो लगेगा कि एक अमीर एक वर्ग विशेष को जो कॉरपोरेट घराना है जो उच्च घराना है जो धंधा स्थापित कर रहा है जो कारखाने लगा रहा है उसको ही लाभ मिल रहा है लेकिन धीरे धीरे करके ट्रिकल डाउन थ्योरी टपकन थ्योरी ये कह देती है कि विकास सभी का हो जाएगा और इस सिद्धांत को लेकर अभी भी वाद विवाद होता है और वाद विवाद का कारण यह है क्योंकि हाल फिलहाल में जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो एक ऑक्सफैम संस्था है एक एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ऑक्सफैम इसने एक रिपोर्ट जारी करी थी आय असमानता को लेकर इन्होंने कहा कि ट्रिकल डाउन थोरी पूंजीवाद में क्या हुआ गरीब और गरीब होते गए अमीर और अमीर होते गए तो इस पर वाद विवाद चलता रहता है ठीक है तो ये चौथा प्रश्न कंप्लीट हुआ पांचवा है अर्थशास्त्र विषय के जनक जिस पर हम बात भी करिए एडम स्मिथ को कहा जाता है सत्रह से तेईस सत्रह सो इनका जीवन काल रहा है यानी कि 18वीं जो औद्योगिक क्रांति की शताब्दी कही जाती है और एडम स्मिथ को इसलिए कहा जाता है क्योंकि सत्रह ईस्वी में कब सत्रह ईस्वी में इनकी पुस्तक आती है वेल्थ ऑफ नेशन कौन सी वेल्थ ऑफ नेशन और इस पुस्तक के आने के बाद अर्थशास्त्र जो है वो एक अर्थशास्त्र जो है वो एक पृथक विषय बन गया अब इसका अध्ययन पृथक तरीके से किया जाने लगा तो अर्थशास्त्र विषय के जनक हमसे पूछ लिया जाए तो एडम स्मिथ महोदय इंग्लैंड के ये थे अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है अब किसी भी सब्जेक्ट को जब हम पढ़ते हैं तो उसका एक पर्पज होता है ठीक है कोई भी हम काम करते हैं उसका भी अपना पर्पज है किसी विषय का अध्ययन करते हैं उसका भी एक उद्देश्य होता है तो अर्थशास्त्र के उद्देश्य पर अगर हम फोकस करें ध्यान दें तो हमारा उत्तर कहता है कि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित है, है ये बात तो सही है ठीक है मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित है ये एक मनोवैज्ञानिक बात है यानी कि मनुष्य का जो मन है वो काफी चंचल है उसकी डिजायर असीमित है उसकी सुख की परिभाषा काफी असीमित है ठीक है अगर व्यक्ति के पास लाख रुपए आ गए तो वो करोड़ रुपए की करोड़ों रुपए की मनोकामना करेगा फिर व्यक्ति का जो मन है वो असीमित आवश्यकताओं का एक प्रबल कारक है लेकिन अगली लाइन कहती है इनकी पूर्ति तो साधन सीमित है हमारे पृथ्वी के पास जो है नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो काफी सीमित मात्रा में है और इसी को लेकर महात्मा गांधी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक बात कही थी कि मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए जो हमारी प्रकृति है जो हमारा पर्यावरण है आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उसके पास पर्याप्त क्षमता है लेकिन प्रकृति और पर्यावरण के पास मनुष्य के लालच को पूरा करने की क्षमता नहीं है लालच को पूरा नहीं कर सकती और उसी का परिणाम है कि हम पता है कि असीमित आवश्यकताओं के कारण हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव भी पड़ता जा रहा है अब इसके उद्देश्य पर हम चलते हैं अतः इन असीमित आवश्यकताओं एवं साधनों की सीमितता से उत्पन्न समस्याओं का अध्ययन एवं उनका समाधान प्रस्तुत करना ही अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य है तो मूल बात यह है कि असीमित हमारी आवश्यकताएं हैं, सीमित संसाधन है और किस तरीके से किसका उत्पादन करना है कैसे उत्पादन करना है किसको वितरण करना है कैसे लोगों का विकास करना है इस तरीके के जो सवालों के जवाब है वो देना अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य है तो इसी के परिप्रेक्ष्य में या इसी के संदर्भ में हम बात कह लेते हैं कि एक कॉन्सेप्ट अब चल रहा है सतत पोषणीय विकास का सतत पोषणीय विकास का क्योंकि मनुष्य के लालच ने मनुष्य की असीमित आवश्यकताओं ने प्रकृति पर दबाव डाला उसी का परिणाम हम देख रहे हैं कि पर्यावरण को नुकसान हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो अब सतत पोषणीय विकास की अवधारणा आ रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात आ रही है उसमें यह होता है कि आपको विकास करना है तो प्रकृति और अर्थशास्त्र को समन्वय बैठाना पड़ेगा प्राकृतिक चीजों का हमें ख्याल रखना पड़ेगा सात नंबर प्रश्न बोलता है अध्ययन की दृष्टि से अर्थशास्त्र विषयों को किन दो शाखाओं में विभक्त किया गया है तो अर्थशास्त्र जब हम पढ़ते हैं अध्ययन करते हैं समझने की कोशिश करते हैं तो इसकी दो स्ट्रीम दो धाराएं दो भाग आ जाते हैं जिसमें एक है व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र मतलब सूक्ष्म छोटा भाग अगर व्यष्टि की हम बात करें तो इसका सिंपल सा मतलब होता है सूक्ष्म तरीके से या छोटे भाग का अर्थशास्त्र के किसी एक अंग का किसी एक किसी एक अंग का किसके अर्थशास्त्र के का अध्ययन करना व्यष्टि के अंतर्गत आता है ठीक है व्यष्टि के अंतर्गत आता है यानी कि व्यष्टि में कुछ अर्थशास्त्र जो समग्र अर्थशास्त्र है उसके किसी एक बिंदु पर चर्चा की जाएगी जैसे किसी संगठन जो बड़ी कंपनी है उस कंपनी की नीतियां कैसी है ठीक है जैसे कोई उपभोक्ता है उस उपभोक्ता का की जो प्रवृत्ति है वो कैसी है कैसे हम उत्पादन करें तो छोटे स्तर पर सूक्ष्म स्तर पर माइक्रो लेवल पर उसका अध्ययन करा जाता है और इसके विपरीत समष्टि का अर्थ होता है समग्र दृष्टिकोण से पूरी अर्थव्यवस्था का जैसे भारत की पूरी अर्थव्यवस्था का ख्याल रखा जाता है उसमें सभी जो कॉन्सेप्ट है सभी जो अवधारणा है उसकी चर्चा की जाती है तो अध्ययन की दृष्टि से समष्टि और व्यष्टि माइक्रो और मैक्रो इन शब्दों का भी ख्याल हमें रखना है अब आता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है हमने समझने की कोशिश भी की व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों ठीक है व्यक्तिगत इकाइयों जैसे कि एक उपभोक्ता का एक उत्पादक का या एक किसी फर्म कंपनी का अध्ययन किया जाता है तो सूक्ष्म छोटा माइक्रो अर्थशास्त्र कहलाता है इसको ध्यान में रखना। और इस अर्थशास्त्र को मूल्य निर्धारण सिद्धांत भी कहा जाता है क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण क्या है इसकी विषय वस्तु किसी भी वस्तु का मूल्य निर्धारण करना व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है किसी भी वस्तु के मूल्य को प्राइस को निर्धारित करने का कार्य यह विश्व वस्तु जो है वो वो आता है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत समष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है भाई समष्टि अर्थशास्त्र के के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था जो महत्वपूर्ण अंतर है समष्टि और व्यष्टि में वो है व्यक्तिगत इकाइयों का व्यष्टि में माइक्रो लेवल पर और ये मैक्रो लेवल पर समष्टि लेवल पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित क्रियाओं जैसे कि हम देखते हैं कुल आय कितनी है किसी देश की कुल व्यय कितना हो रहा है कुल बचत कितनी हो रही है राष्ट्रीय आय क्या है और पूर्ण रोजगार इस तरीके के जो पूरे कॉन्सेप्ट है उनकी चर्चा उसका अध्ययन किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र के भीतर अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ है दी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 तो ये किताब का नाम है एक किताब हम, Nation, जो की थी छत्तीस में, में किसकी कृति है जिससे समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थशास्त्र की एक पृथक शाखा के रूप में जन्म हुआ था यानी कि अर्थशास्त्र की दो शाखा हमें समझ में आई समष्टि और व्यष्टि और अब तक क्या था वेस्टि के स्तर पर चर्चा की जा रही थी सूक्ष्म तरीके से अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जा रहा था वेल्थ ऑफ नेशन किताब पब्लिश होने के बाद लेकिन 1936 में जब ये किताब आती है जिसके लेखक जॉन मैनार्ड किन्स अठारह से उन्नीस ईस्वी इनका जीवन काल रहा है यह भी इंग्लैंड के यूके के निवासी रहे हैं इन्होंने ये किताब पब्लिश की और किताब में समष्टि अर्थशास्त्र की चर्चा की तो समष्टि अर्थशास्त्र का नाम जो है जॉन मेनार्ड किन से जोड़ दिया जाता है और इन्होंने क्या कहा इन्होंने कहा कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ही कोई फैसला किया जाना चाहिए कोई राष्ट्र जो अपनी आर्थिक नीतियां बनाता है जो डिसीजन लेता है कोई भी देश उसे पूरी समग्र अर्थव्यवस्था को जहन में रखना है पूरा ध्यान रखना है कि क्या स्थिति है हमारी राष्ट्रीय आय क्या है कुल व्यय कितना हो रहा है इस सारी तरीके की जो चीजें जितनी अवधारणाएं अर्थशास्त्र से संबंधित है उसको ध्यान में रखते हुए फैसले किसी देश को करना है और ये इनका फोकस होता था कि जो सरकारें हैं वो सार्वजनिक ऋण जो सार्वजनिक वह है जो खर्चा है वो ज्यादा से ज्यादा करे ताकि विकास का कार्य ज्यादा हो जाए तो जॉन मैना किन्स का समय है और ये जो थे 1929 की दशक की अगर हम बात करें तो इस समय क्या हुआ था ग्रेट डिप्रेशन आया था ग्रेट डिप्रेशन मतलब इसे बोला जाता है में हिंदी में महामंदी आई थी अर्थव्यवस्था की स्थिति डावाडोल हो गई थी पूरे विश्व की और स्पेशली अमेरिका और यूरोपियन देशों की तब जाकर यह किताब पब्लिश होती है कि किस तरीके से अगर अर्थशास्त्र जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो खराब होती है और क्यों होती है उनके व्यवहारिक तरीके बताए गए ठीक है और कैसे उनको कंट्रोल करना है कैसे महामंदी से निपटना है इस तरीके की बातें जॉन मैनार्ड किन्स ने की और जॉन मैनार्ड किन्स जो है एक बड़ा नाम हो जाता है पूरी दुनिया के लिए अर्थशास्त्र के फील्ड में नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें और अब तक जो हमने चर्चा करी थी अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के बारे में चर्चा की थी अब दूसरी टर्मिनोलॉजी दूसरी शब्दावली आ रही है अर्थव्यवस्था जिसे इकोनॉमी बोलते हैं क्या बोलते हैं इकोनोमी बोलते हैं और अर्थशास्त्र को बोलते हैं इकोनॉमिक्स यानी कि जो अर्थशास्त्र में जो अर्थशास्त्रीय सिद्धांत है जो अवधारणाएं हैं अर्थशास्त्र की उन सिद्धांत अवधारणाओं का व्यवहारिक प्रयोग ही करना अर्थव्यवस्था कहलाता है ठीक है इसको हम देख लेते हैं क्वेश्चन के माध्यम से अर्थव्यवस्था इकोनॉमी से क्या अभिप्राय है अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्रीय सिद्धांतों एवं अवधारणाओं का व्यवहारिक रूप है यानी कि किस तरीके से जब हम पढ़ते हैं मौद्रिक नीति के बारे में राजकोषीय नीति के बारे में मुद्रा स्फीति के बारे में अर्थशास्त्र से जुड़ी हुई जो बेसिक कॉन्सेप्ट सिद्धांत है उनका जो व्यवहारिक जीवन में प्रयोग है चाहे वो घर के स्तर पर हो चाहे वो एक शहर की अर्थव्यवस्था के लिए हो एक राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए हो पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हो उसका व्यवहारिक प्रयोग कैसे होता है उसको देखते हैं इसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं का व्यवहारिक मापन किया जाता है न कि सैद्धांतिक अध्ययन यानी कि एक बेसिक डिफरेंस जो अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में है वो है अर्थशास्त्र सैद्धांतिक अध्ययन है और अर्थव्यवस्था सैद्धांतिक अध्ययन होकर व्यवहारिक प्रयोग की व्यवहारिक मापन की बात करता है और अर्थशास्त्र शब्द की हम बात करें तो अपने आप में यह अपूर्ण है यानी कि पूरा नहीं है क्यों क्योंकि यह हमेशा ही किसी क्षेत्रीय इकाई के साथ प्रयोग किया जाता है जैसे हम कहते हैं कि विश्व की अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है एशिया यानी कि महाद्वीप के स्तर पर अफ्रीका की एशिया की अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है किसी देश की यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है फिर उसके राज्य की राजस्थान की महाराष्ट्र की गुजरात की अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है फिर उसके शहर की यानी कि किसी स्पेशल संदर्भ में वो चीज़ यूज की जाती है उसी दृष्टिकोण से वो देखी जाती है अर्थव्यवस्था और आप सुनते भी हो कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की हालात कैसी है कोविड के बाद हालात क्या बने कोविड के बाद हालात खराब हुए रूस और यूक्रेन का जब युद्ध हुआ रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ जो अभी चल ही रहा है रूस यूक्रेन का युद्ध आप अगर अखबार पढ़ रहे हो तो आपको ये युद्ध के बारे में समझने को मिल रहा है तो इस युद्ध के बाद विश्व की अर्थव्यवस्था किस तरीके से प्रभावित हुई इवन भारत की अर्थव्यवस्था भी इससे प्रभावित हुई तो ये जो व्यवहारिक तरीका है इस प्रयोग करने का अर्थशास्त्र को समझने का अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है और इसके साथ हम देखते हैं कि चीनी अर्थव्यवस्था भारत से कमतर है या अच्छी है ये भी देखते हैं नेक्स्ट चीज हम देखते हैं बारह नंबर प्रश्न है उत्पादन साधनों के आधार पर तो हमने अब तक ग्यारह पढ़ लिए हैं प्रश्न है उत्पादन साधनों पर पर नियंत्रण के आधार अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है यानी कि कोई भी अर्थव्यवस्था है उस पर नियंत्रण कंट्रोल ऑनरशिप किसकी है क्या प्राइवेट सेक्टर उसको संचालित कर रहा है क्या सरकार उसको चला रही अर्थ है अर्थव्यवस्था को बाजार को या फिर इसमें दोनों का मिक्सचर है तो इस तरीके से तीन तरीके से ये चीजें अर्थव्यवस्था बंटी हुई है एक है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कैपिटलिस्ट जिसे हम थोड़ा सा पढ़ के समझने की कोशिश की एडम स्मिथ के संदर्भ में दूसरी है सोशलिस्ट इकोनॉमी जिसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था मिक्स्ड इकोनॉमी जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के गुण आते हैं अब इनको समझने के लिए एक हल्का सा बैकग्राउंड एडम स्मिथ महोदय के पास चले जाते हैं अठारहवीं शताब्दी में चले जाते हैं और अठारह शताब्दी हमें पता है एक बड़ा चेंजेस आता है बहुत सारे चेंजेस आते हैं जिसमें एक आर्थिक जो चेंजेस है वो है औद्योगिक क्रांति का अब जब औद्योगिक क्रांति आती है औद्योगिक क्रांति होती है तो क्या होता है उत्पादन की भरमार हो जाती है उत्पादन अधिक होने लगता है प्रोडक्शन जो है अधिक होने लगता है ठीक है और इसी के साथ क्या होता है एक विचारधारा सामने आती है पूंजीवाद की विचारधारा इकोनॉमी की विचारधारा जिसमें होता है कि जो अर्थव्यवस्था है वो निजी सेक्टर के द्वारा जो उत्पादन है वस्तु या सेवा का जो उत्पादन होगा और उसका जो नियंत्रण होगा और उसका जो वितरण होगा वो सारा का सारा निजी सेक्टर करेगा इसके साथ साथ ये निजी सेक्टर जो है उ, उसे क्या होगी स्वतंत्रता होगी फ्रीडम होगा किसी तरीके का फालतू इंटरफेयर सरकारों का नहीं होगा यह बात कैपिटलिज्म इकोनॉमी में आती है 18वीं शताब्दी से जो ही हम 19वीं शताब्दी की ओर जाते हैं तो एक और व्यक्ति का नाम आता है तो 18वीं शताब्दी में एक व्यक्ति है एडम स्मिथ महोदय जो इस तरीके की बात अपनी किताब वेल्थ ऑफ नेशन में कर रहे हैं कैपिटलिज्म की बात कर रहे हैं निजी उद्योग की बातें कर रहे हैं उत्पादन बढ़ाने की बातें कर रहे हैं लेसेज फेयर नीति की बातें कर रहे हैं और ये तमाम जो शब्दावली में बोल रहा हूं उनको हम समझ कर आ चुके हैं उन्नीसवी शताब्दी में हम जैसे चलते हैं तो इसमें एक व्यक्ति हुए हैं फेमस जिसमें नाम आपने कई लोगों ने सुना भी होगा कार्ल मार्क्स क्या नाम है कार्ल मार्क्स तो इसको समझने की हम कोशिश करते हैं अब काल मार्क्स महोदय क्या करते हैं काल मार्क्स महोदय उन्नीसवी शताब्दी में क्या करते हैं कि भाई अठारहवीं शताब्दी में कैपिटलिज्म हावी हो जाता है पूंजीवाद पूंजीवाद हावी हो जाता है उत्पादन बढ़ने लगता है ठीक है बड़े बड़े उद्योग स्थापित हो जाते हैं अमीर लोग मध्यम वर्ग का उदय होता है अमीर कॉरपोरेट घरानों का उदय होने लगता है और लेकिन इसके साथ साथ इसके साथ साथ हम क्या करते हैं इसके साथ साथ हम देखते हैं कि दूसरी चीजें भी शुरू हो जाती है दूसरी चीजें कौन सी दूसरी चीजें कौन सी शुरू हो जाती है कि 18वीं शताब्दी में ये सारी चीजें हो रही है पूंजीवाद हावी हो रहा है प्रोडक्शन बढ़ रहा है लेकिन हम देख रहे हैं कि मजदूरों का जो काम में लगे हुए हैं उत्पादन करने वाले उनका शोषण शुरू होता है अमीर और अमीर होते जा रहे हैं गरीब और गरीब होते जा रहे हैं यानी कि इन इक्वलिटी बढ़ती है मजदूरों का महिलाओं का शोषण शुरू होता है तो शोषण शुरू हुआ असमानता शुरू हुई अमीर और अमीर होता गया गरीब और गरीब होता गया औद्योगिक क्रांति आ गई और 19वीं शताब्दी में यह सारा महसूस कर रहा है काल मार्क्स अब मार्क्स कहता है कि इनको मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं असमानता को इन को बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं शोषण को बर्दाश्त नहीं करूंगा तो इन्होंने एक किताब पब्लिश की दास कैपिटल वैसे तो बहुत सारी किताबें थी इनकी एक थी दास कैपिटल और एक है कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये दो किताबें थी इन किताबों में इन्होंने क्या विचार दिया इन्होंने दिया साम्यवाद का विचार कम्युनिज्म का विचार और ये साम्यवाद का विचार क्या था इसमें ये था कि जो उत्पादन होगा किसी भी वस्तु और सेवा का अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन होगा वो निजी सेक्टर में नहीं होगा वो सार्वजनिक सेक्टर के द्वारा किया जाएगा यानी कि पूंजीवाद के ठीक उल्टा है सरकार के द्वारा राज्य के द्वारा उत्पादन किया जाएगा एक फंडामेंटल बात थी दूसरा ये क्यों किया जाएगा ये इसलिए किया जाएगा क्योंकि सरकारों का मुख्य काम है समानता व्यक्तियों के मध्य समानता को स्थापित करना तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है तो ये समझ में आया 18वीं शताब्दी में कैपिटलिज्म आ रहा है उन्नीसवीं शताब्दी में साम्यवाद की बात हो रही है जो इसके कैपिटलिज्म पूंजीवाद के ठीक विचारधारा है ये पूरी राजनीतिक दृष्टि कौन सी चीजें चल रही है आर्थिक दृष्टिकोण से भी चीजें चल रही है इसको समझने की कोशिश करनी है ठीक है तो उसके बाद हम क्या करते हैं उन्नीसवी शताब्दी में साम्यवाद का भी बोला बाला होता है बोलबाला आ जाता है काफी हावी होती है उनके बीच में संघर्ष चलता रहता है अब कैपिटलिज्म इकोनॉमी को हम समझने की कोशिश करते हैं इसे उदारवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं उदारवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं मतलब कि सरकार इंटरफेयर नहीं करेगी सरकार किसी भी तरीके का प्रतिबंध नहीं लगाएगी या कम से कम प्रतिबंध लगाएगी लोगों के हित में लोगों के भले में और इसी को देखते हुए आपको पता है कि भारत की अर्थव्यवस्था उन्नीस में हमने एल की पॉलिसी जिसे उदारवाद निजीकरण वैश्वीकरण की नीति कहा जाता है उदारीकरण व वैश्वीकरण एलपीजी की पॉलिसी भारत ने अपनाई यानी कि इससे पहले भारत की अर्थव्यवस्था अलग तरीके की थी उन्नीस से पहले इसके अंतर्गत उत्पादन के समस्त साधनों उत्पादों के वितरण तथा धन के विनिमय पर मुख्यतः निजी सेक्टर का कंट्रोल होता है ये हमने कैपिटलिज्म में देखा इसमें सरकार की भूमिका क्या है सरकार सिर्फ भूमिका में होती है रेगुलेटरी भूमिका में होती है मतलब कि सरकार केवल दिशा निर्देश ही दे सकती है इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकती इसके अतिरिक्त निजी सेक्टर को स्वतंत्रता होती है और इसका मुख्य उद्देश्य है अधिकतम लाभ प्राप्त करना कैपिटलिज्म इकोनॉमी में क्या होता है कोई औद्योगिक घराने का व्यक्ति कारखाना स्थापित करेगा अब जो प्राइवेट जो सेक्टर है उसका मेन मकसद क्या होता है मैक्सिमम प्रॉफिट प्रॉफिट गेन करना अधिकतम लाभ प्राप्त करना वो कैसे ही करे ठीक है उसे कोई मतलब नहीं है समानता से उसे कोई कल्याण से मतलब नहीं है वो ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त करने की ही बात करेगा और ये आज की अर्थव्यवस्था में हम देखते भी हैं एग्जाम्पल के पूरी दुनिया में तो संयुक्त राज्य अमेरिका तो इसका ब्रांड एम्बेसिडर रहा है और यूरोप के और भी देश जैसे ब्रिटेन जर्मनी फ्रांस भी इसके समर्थन रहे हैं और यह व्यवस्था व्यक्तिक स्वतंत्रता की बात करती है कि सरकार को किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करना चाहिए व्यक्ति स्वतंत्रता सबसे इंपोर्टेंट है तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को हमने समझने की कोशिश करी आप समाजवादी अर्थव्यवस्था का आशय बताना है हमें सोशलिस्ट इकोनॉमी समाजवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों का जो संचालन होता है जो नियमन होता है जो नियंत्रण होता है वो किसके द्वारा किया जाता है वो सरकार के द्वारा राज्य के द्वारा किया जाता है यानी कि समस्त जो संसाधन है वस्तुओं के उत्पादन के उस पर कंट्रोल सरकार का होगा सरकार का हक होगा सरकार अपने हिसाब से उसका उत्पादन करेगी उसका वितरण भी अपने हिसाब से करेगी इसमें उत्पादन एवं वितरण पर सार्वजनिक सेक्टर यानी कि सरकारी सेक्टर का नियंत्रण होता है मुख्य उद्देश्य क्या है इसका करने का कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना कि अधिकतम लोगों का भला करना कल्याण करना ये जरूरी है और इसका एग्जाम्पल हम देखें तो पूर्व सोवियत संघ यानी कि पूर्व सोवियत संघ इसका प्रमुख उदाहरण था व्यवस्था व्यक्तियों के मध्य समानता स्थापित करने की बात करती है ताकि क्या हो अमीर और अमीर गरीब और गरीब ना बने समानता हो इसमें पूर्व सोवियत संघ की बात आ रही है तो थोड़ा सा हम बात करते हैं ये पूर्व सोवियत संघ क्या है 1990 तक क्या था यूएसएसआर जिसे सोवियत संघ भी कहा जाता है क्या कहा जाता था सोवियत संघ भी कहा जाता था पंद्रह गणराज्यों का यह संघ था और इसका नेतृत्व तो कर रहा था वर्तमान का रूस ठीक है नेतृत्व तो कर रहा था वर्तमान का रूस अब थोड़ा और पीछे जाते हैं अब 1990 से भी पीछे जाते हैं 1945 में आपको पता है सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है अर्थ इतिहास में यह पढ़ोगे आप कि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाता है और 1945 से लेकर 1990 के मध्य तक हमने देखा 18वीं शताब्दी में क्या है पूंजीवाद 19वीं शताब्दी में साम्यवाद की बात करने लग जाता है अब 20वीं 1945 से 1990 के बीच में 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 एक एक एरा एक विश्व में, इतिहास में महत्वपूर्ण घटना जिसे कोल्ड वार कहा जाता है शीत युद्ध कहा जाता है शीत युद्ध बेसिकली क्या था दो विचारधाराओं के मध्य का युद्ध था एक में हम पढ़ रहे हैं पूंजीवादी विचारधारा दूसरी साम्यवादी विचारधारा जिससे हम कहीं समाजवादी विचारधारा भी कह देते हैं तो इन दो के मध्य चल रहा था पूंजीवादी विचारधारा का पक्षधर था अमेरिका और साम्यवादी विचारधारा का पक्षधर था जो पक्षधर था समर्थन करता था सोवियत संघ करता था अब 1990 में क्या हुआ 1990 में सोवियत संघ जो 15 गणराज्यों का संघ था वो बिखर गया रूस अलग हो गया जो आज जो आप देखते हो कजाकिस्तान किर्गिस्तान उजबकिस्तान इस तरीके के जो राष्ट्र थे वो पहले सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे इसके बाद क्या हुआ उन्नीस के बाद ये क्लेश कर गया ये खत्म हो गया इसका विघटन हो गया और 1990 के बाद एक व्यक्ति हुए जिसका नाम है फ्रांसिस फुकोयामा फ्रांसिस फुकोयामा उन्होंने 1990 में जब यूएसएसआर का विघटन हो गया क्या हो गया विघटन हो गया तो इन्होंने कहा अब क्या हो गया द एंड ऑफ हिस्ट्री क्या हो गया द ऐड होप हिस्ट्री इतिहास का अंत हो गया यानी कि इनका कहने का मतलब था कि जो पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच का जो द्वंद था जो युद्ध चल रहा था अब सोवियत संघ खत्म हो चुका है और इसमें पूंजीवाद की विजय हो गई है अब द एंड ऑफ हिस्ट्री हो गई इतिहास का अंत हो गया अब वैचारिक युद्ध नहीं रहा यह बात कहते थे मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है आज की कक्षा का यह अंतिम हमारा प्रश्न है ये पूंजीवादी एवं समाजवादी व्यवस्था का मिश्रण है यानी कि इसमें पूंजीवादी यानी कि निजी सेक्टर में भी काम किया जा रहा है सरकार का कंट्रोल नहीं होता कुछ कुछ निजी लोग भी इसमें उद्यम करते हैं और समाजवादी यानी कि कुछ सेक्टर में सरकार का कंट्रोल होता है जिसमें आर्थिक क्रियाओं का विनिमयन उत्पादन एवं वितरण के आधारभूत साधनों पर तो सरकार का कंट्रोल होता है जबकि कुछ और होते हैं वो निजी क्षेत्र पर नियंत्रण होता है भारत की अर्थव्यवस्था को हम, economy, अर्थ का एक जो दास्ता थी उससे आजाद हो रहे थे उसमें से भारत भी एक था हम ब्रिटेन की दास्ता से आजाद हुए और उसके बाद हमारे पास विकल्प दो थे विकल्प एक था कि हम क्या पूंजीवाद की ओर जाए दूसरा विकल्प था कि हम समाजवादी की ओर जाएं लेकिन हमारे पास ये था कि हम हमेशा बेहतर विकल्प का चुनाव करते हैं कि हमें अपने लोगों का भला करना है तो हम एक मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें कुछ चीजें जो है हम देखते हैं आज भी सरकार के अंडर में है ठीक है जैसे हम देखते हैं शिक्षा कई सरकारी स्कूल है स्वास्थ्य में हम देखते हैं कई सरकारी अस्पताल है यातायात के साधन हम देखते हैं कई सरकारी ठीक है थीके? और साथ ही साथ निजी सेक्टर के पास भी इस तरीके की विकल्प है तो हमने आज की इस कक्षा में अर्थशास्त्र के पंद्रह क्वेश्चन पढ़े हैं आप इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए समझने का प्रयास कीजिए कुछ हद तक कुछ तथ्य है उसको रटना भी है हमें आगे की चर्चा यूं ही जारी रहेगी तब तक के लिए जय हिंद जय जै भारत